बड़ी खबर है, पीएससी भर्ती में भ्रष्टाचार का यह मामला है। ननकीराम कंवर की याचिका, हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। बता दें, अफसरों के बेटा बेटी रिश्तेदारों का यह चयन है, चयन को लेकर याचिका दायर की गई थी। अब मामले की जांच की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या है पूरा मामला, बताइए विस्तार से। देखिए, छत्तीसगढ़ में पीएससी में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी के जो पूर्व विधायक मंत्री रहे हैं ननकीराम कंवर, उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है और याचिका में उन्होंने कहा है कि अपात्रों को चयनित कर लिया गया है पीएससी में, जिसमें नेताओं और मंत्रियों और अधिकारियों के बेटे बेटियों और रिश्तेदारों को शामिल किया गया है। लिहाजा उन्होंने इसको लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में लगाई है। याचिका में ये भी कहा है उन्होंने कि राजभवन में जो सचिव है अमृत खलको के बेटे व बेटी की को डिप्टी कलेक्टर बनाने पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। चेयरमैन जो है टॉमन सी सोनवानी के रिश्तेदारों को चयन में गलत तरीके से चयनित किया गया, तो इसी मामले को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई है, जिस पर पीएससी को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आज इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई होगी और देखना होगा कि क्या कुछ फैसला इस पर हाईकोर्ट देता है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए उमेश। नए संसद में आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होगी। महिला आरक्षण बिल को कल ही सदन में पेश किया गया, ऐसे में सदन में आज गहमा गहमी रहेगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि बिल को चर्चा के बाद आज ही पारित करा लिया जाएगा, परिसीमन के बाद ही ये कानून अमल में आएगा। इसके साथ ही पुराने संसद का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। नाम बदलने को लेकर लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी। बदना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुछ दिन पहले जंगल में मिले शिक्षिका का शव पुलिस ने इसमें खुलासा कर लिया है। शव पन्ना कटनी रोड पर रितुआ के जंगल में मिला। पुलिस ने बताया कि मृतिका मंडला जिले के सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। पुलिस को जांच में पता चला है कि मृतिका का गांव के युवक से प्रेम संबंध था, जिसने हत्या की साजिश रची थी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।